मैं तो पूर्ण आशा कर रहा था, विश्वास था कि भाई सरकार हमारी पैरवी करेगी, महिला और विकलांगों की पहली सुनती है, पर मेरे आज ऐसी आशा टूट रही है कि सरकार न तो हमारी सुन रही और न हमारी कोई पैरवी करवा रही है। कि आज तारीख दे के फिर भी उन्होंने लिस्टेड केस नहीं करवाया, तो इसका मतलब क्या है? ये तो अंदरूनी, या तो जज ही जाने या फिर ये वो सरकार जाने क्या हो रहा है, क्या हमें तो अन्याय क्यों दे रहे हैं, हमें न्याय दीजिए। या बड़े हैं हमारे स्कूल ही अलॉटमेंट दे दी, या तो स्कूल अलॉटमेंट ही नहीं देते तो हम ये सोचते कि हमारा कुछ नहीं होने वाला है। सर आप कहाँ से हैं, आपको किन किन समस्याओं का सामना? सर मैं जैसमेर से हूँ, आज लगभग 2.5 महीनों से मैं यही, कभी मंत्री के पास में, कभी विधायक के पास में, CM का, कभी सचिवालय के पास में, हर टाइम मैं हाजिर उनके सामने हुआ हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया कि आपका काम 100% होगा, कोई रोकने वाला नहीं। कल भी मैं मिला हूँ, कुछ मंत्री से भी मिला हूँ, मुख्यमंत्री से मिला हूँ, उन्होंने कहा 100% आपका कल काम हो जाएगा, आप निश्चित रहो। अब निश्चित कब तक हम रहेंगे, अब लास्ट डेट तो ये निकल गई, अब कोई पता नहीं हमारा क्या होगा, हमारा अभी से भविष्य बर्बाद हो गया। अब पीछे हमारे वाइफ भी है, बच्चे भी है, वो भी आस ले कर बैठे हैं। मेरे कमाने वाला कौन है? एक हाथ है, कोई कमाने वाला नहीं। कोई प्राइवेट धंधा भी जो करूँ तो कोई कर लगाएगा ही नहीं। मेरी तो ज़िंदगी वैसे बर्बाद हो चुकी है, अब क्या करूँ? देखो सुनील जी, आप हमारी रेगुलर आवाज़ उठाते आ रहे हो, आप ये धरना देख रहे हो, ये 15 दिन से देख रहे हो, लेकिन धरना 15 दिन से ये लड़के तो जब भी है, 6000 कैंडिडेट है, ये लगभग जब 9 अक्टूबर को आचार संहिता लगी थी उसके बाद में दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। आप तो 15 दिन से यहाँ शहीद स्मारक पर देख रहे हो, इन्होंने प्रत्येक मंत्री को, एक भी मंत्री को नहीं छोड़ा, किरोड़ी लाल जी से ये मिल लिए, जो ये शिक्षा विभाग के अंदर नवीन जैन जी से ये मिल लिए, और बोर्ड में बार बार बोर्ड में चक्कर, कोई विभाग में चक्कर, सब जगह चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन सुनने वाला नहीं है। गवर्नमेंट एक तरफ कहती है कि हम नारी सुरक्षा के लिए अधिक जो बल दे रहे हैं, ये जितने भी बहनें हैं यहाँ शहीद स्मारक पे 15 दिन से यहाँ रेगुलर धरने पे बैठी है, दिन रात मेहनत कर रही है, और इनकी क्या गलती है कि एक साथ जब परिणाम जारी हुआ, 19,000 पदों पर जब परिणाम जारी हुआ उसमें 15,000 को ज्वाइनिंग हो गई, और बाकी ये लगभग जो 6000 कैंडिडेट बचे हैं इनकी नियुक्तियाँ अभी तक रुकी हुई है। इन स्टूडेंट की क्या गलती है? एक साथ जब समान परिणाम जारी हो रहा है तो सबको नियुक्तियाँ होनी चाहिए ना, गवर्नमेंट इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही, बोर्ड अपनी तरफ से मजबूत पैरवी नहीं करवा रहा है, वकील डेट पे डेट लिए जा रहे हैं, कभी बेंच चेंज हो रही है, कभी रोस्टर चेंज हो रहा है। जब 1 तारीख को सुनवाई हुई थी उसके अंदर हमारी जो डेट मिली थी निधि चौधरी के फाइल पे, वो 13 तारीख की डेट लिस्टेड हुई थी, आज 13 तारीख को हमारी सुनवाई होनी थी, और कल सप्लीमेंट्री की जब कॉल लिस्ट आई है उसमें 13 तारीख का कहीं नाम तक नहीं है, केस लिस्टेड नहीं हुआ। इनकी मांग थी कि AG को पैरवी करने के लिए भेजे, AG तो दूर की बात, केस तक लिस्टेड नहीं हो पा रहा इस गवर्नमेंट से, तो बच्चे जाए तो कहाँ जाए? सर्दी गर्मी बरसात, बरसात का माहौल में इसके अंदर भी बच्चे यहाँ ठहरे हुए थे। सुनना चाहिए इस गवर्नमेंट को, भाई युवाओं के नाम पर, युवाओं को बेरोजगार के नाम पर इन्होंने वोट दिया, और मैं बताऊँ कि लोकतंत्र में सबसे बड़ी ताकत युवाओं की है। अगर ये गवर्नमेंट इस तरीके से भ्रष्टाचार फैलाएगी और इनको नियुक्तियाँ नहीं देगी, इनको न्याय नहीं देगी, तो आगे लोकसभा चुनाव है, यही युवा इनको सबक सिखा देंगे कि लोकसभा चुनाव में कैसे पासा पलटता है। हाँ सर, हम भी वेट कर रहे थे कि कल सुनवाई हो जाएगी, AG से पैरवी कराएंगे, बट क्या करें, कल केस लिस्ट हुआ उसमें हमारा नाम नहीं आया केस का, तो हम यही चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हमारे केस की सुनवाई हो और हमें नियुक्ति दी जाए। सर ये भेदभाव ही और क्या है, फिर हमारी तो कोई गलती नहीं थी ना, हमने तो पढ़ के जॉब ली है, इसमें हम क्या करें? अब हमारी भर्ती पर क्यों रोक लगाई है? हम जोधपुर से हैं। आज हाई कोर्ट में सुनवाई थी लेकिन सरकार की बड़ी लापरवाही के कारण सुनवाई नहीं हो पाई, उसको लेकर बस लापरवाही दिख रही है और कुछ नहीं है, और ना अभी इनको कोई शर्म आ रही है, ना इनको कोई अभी न्याय दिख रहा है, ना कोई अभी इनको औरत दिख रही है, ना कोई इनको समाज दिख रहा है। बस अब यही लग रहा है कि कहीं ना कहीं ये करप्शन है और ये अपना फ़ायदा देख रहे हैं,
और यहाँ सब लड़कियाँ बेघर है, बच्चे बेघर है, ना ये हमारा मेंटली देख रहे हैं, ना ये हमारा भी फिजिकली परेशान है, मेंटली परेशान है। और ऐसा कोई यहाँ पे अमीर ख़ानदान से नहीं है कि इनके पास बहुत सारा इनकम सोर्स है, कोई सोर्स नहीं है, सब इधर उधर से करके ही आए। और आज ना हमारा खाने का पता, ना घर का पता, ना बच्चों का पता। मैं एक सिंगल पेरेंट हूँ, विडो पेरेंट हूँ मैं, मेरा बच्चा भी पता नहीं मुझे किस हाल में है। और अब इतने परेशान है, ना घर के और ना यहाँ के, और ना कोई ऐसा अलग से इनकम सोर्स है। बस अब एक ये उम्मीद दिखी थी कि अब सब कुछ अच्छा होगा, न्याय मिलेगा, पर कहीं नहीं लग रहा कोई न्याय व्याय है। और ये भी लग रहा है कि सारे मिले हुए हैं, और सब ये कहीं यहाँ से नहीं हो रहा है, ये कहीं ऊपर वाले करा रहे हैं, और ये सब ऐसे नहीं हो रहा, ये सिर्फ गेम है, और यह सिर्फ पीछे है लेवल वन वाले। मैम 15,000 पदों पे नियुक्ति मिल गई, 5,000 पे बाकी है, क्या सरकार भेदभाव कर रही है? बिल्कुल कर रही है, भेदभाव ही है ये। जब अपने उनमें रिटर्न में वो दिखा रहे हैं कि हमारी तरफ से तो सारी नियुक्ति हो चुकी है, पर ये पागल थोड़ी ना सब यहाँ बैठे हैं। हम उन्हीं में से हैं जिनको स्कूल अलॉट हो चुके हैं, सब कुछ हो चुका है, सिर्फ इनकी लापरवाही। अब वो डाल रहे हैं बोर्ड पे, बोर्ड डाल रही सरकार पे, कोई बोल रहा है कांग्रेस है, कोई कह रहा है बीजेपी है, हमें क्या मतलब जब हमारे साथ गलत हो रहा है। सब बच्चों से दूर है अपने, हम अलवर से हैं, और अब बस यही है ना, तो ये पता है घर जाकर क्या जवाब देना है, बस सबको एक एक क्वेश्चन मार के कि आप ही गलत है, और जबकि कोई गलती नहीं है, सब यहाँ पे टेस्ट क्लियर करके ही बैठे हैं, बच्चों को छोड़कर बैठे हैं, और ना अब ये नौकरी का पता है, ना घर का पता है। और जब आज तक 4 महीने हो गए, ये हमारा खर्चा पानी सब बड़ी मुश्किल से चल रहा है, पर कुछ समझ नहीं आ रहा सरकार को, सब मिले हुए हैं। मेरा एक सवाल सरकार से है कि जब सरकार नहीं आई थी उस टाइम वो बोल रही थी कि मैं नारी असुरक्षित है राजस्थान में, आज ही 15 दिनों से ये हमारी बहनें हमारे साथ में यहाँ पे सोती है शहीद स्मारक पे, तो यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है उनको कि भाई नारी यहाँ पे भी असुरक्षा हो सकती है, और साथ में युवाओं को नाम लेके आई थी, आज हम चयनित होकर भी यहाँ पे बैठे हैं, हमको स्कूलों में होना चाहिए था, आज हम यहाँ बैठे हैं। तो ये जो सरकार जिस वादों पर आई है, ये अभी उन वादों से मुकर रही है, अब खुद ही उन पर ध्यान नहीं दे रही है। सर हम पूरे दिनों से, इतने दिनों से वेट कर रहे थे कि भाई हमारी 1 तारीख को सुनवाई हुई थी, और हम लेके बैठे थे कि 13 तारीख को हमारी होगी सुनवाई होगी, उम्मीद लेके बैठे थे, हमारी उम्मीद लगातार टूट रही है सर।